हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इकरा क्रिएशन। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, खुश आमदीद। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और सोचा आपको बता दूँ कि इस चैनल पर मैं कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगी। सबसे पहले आप देख रहे हैं एक सैलेड डेकोरेशन जो कि मैंने कुकुम्बर और टोमेटो पील के साथ किया हुआ है। इसके अंदर मैंने एक इमोजी बनाया है और जो इसकी आईज है मैंने उसको पपीते के बीज से रिप्रेजेंट किया है और बाकी टोमेटो और कुकुम्बर से। ये जो फ्लावर है ये बहुत इजीली बन जाता है। इसको आप टोमेटो पील से बना सकते हैं। टोमेटो का जो छिलका है उसको आप कंटिन्यूसली जब पतला पतला उतारते जाते हैं तो वो खुद ब खुद एक फ्लावर बन जाता है। बस उसको बीच में से आपको कट नहीं करना है और उसको किसी भी सैलेड के ऊपर, किसी भी डेकोरेशन में आप रख सकते हैं, बहुत अच्छा लुक देता है। मैंने इसको धनिया की पत्तियों के साथ रिप्रेजेंट किया है। आप ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा और आप और डेकोरेशंस के देखना चाहते हैं। ये बलून डेकोरेशन ये मैंने अपनी स्टूडेंट्स के लिए किया था, उनकी पार्टी थी तो मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ तो पार्टीज ऑब्वियसली होती रहती हैं, तो ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए किया था पार्टी डेकोरेशन। इसके अंदर मैंने येलो और ब्लैक बलून से बनाया था और सब कुछ येलो और ब्लैक ही था। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि ये डेकोरेशन आपको कैसा लग रहा है और क्या आप इस टाइप के और डेकोरेशन देखना पसंद करते हैं। येलो ब्लैक कलर मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये स्टूडेंट्स की पार्टी के लिए मुझे बेस्ट कलर लग रहा था और ये लाइटिंग्स में बिल्कुल गोल्डन लुक दे रहा था, तो गोल्डन और ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। और अलग अलग टाइप के भी डेकोरेशन हम बलून के साथ कर सकते हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। ये मैंने कुछ फ़ोन कवर्स बनाए थे अपने लिए, DIY घर में बनाए थे और इसमें बहुत कम चीज़ों का यूज़ होता है जो कि कोई भी इंसान आसानी से अपने घर में बना सकता है। कम पैसे खर्च में हम बहुत सारे अपने कवर्स बना सकते हैं और इजीली 10 to 5 मिनट्स में ये रेडी भी हो जाते हैं और ये अच्छे खासे हमारे चल भी जाते हैं। ज़्यादा जल्दी गंदे भी नहीं होते और ख़राब भी नहीं होते। लगभग हम 2-3 मंथ्स इनको यूज़ कर सकते हैं, बस हमें इनकी थोड़ी केयर करना पड़ती है। इसके अंदर मैंने कुछ शीट्स का भी यूज़ किया है। ये जो ब्लैक आपको शीट दिख रही है, मैंने ब्लैक वेलवेट की शीट ली है और ये भी मैंने प्रिंटेड शीट ली थी और इसको एक प्रिंट, मतलब बिल्कुल नॉर्मल से फ़ोन कवर पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। आप डेकोरेशन के लिए, मतलब फ़ोन कवर डेकोरेशन के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई से भी स्टोन्स हों या कुछ भी की रिंग या कुछ भी, आप अपनी मर्जी से आपको जो भी बेस्ट लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। इस चैनल पर आप कुकिंग से रिलेटेड भी वीडियोस को देख सकते हैं, जैसे मैंने शाही पीस बनाए हैं और ये मैंने खुद बनाए थे और सबको ये बहुत अच्छे लगे और मुझे भी ये बहुत अच्छे लगे। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और जिसके ऊपर आपको क्रीमी क्रीमी क्रीम दिख रहा है, ये मैंने खुद घर में रबड़ी बनाई थी, ये बलाई नहीं है, ये मैंने खुद रबड़ी बनाई थी और ये बहुत टेस्टी बनी थी। और शाही पीस भी बहुत अच्छे सॉफ्ट थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और कभी कभी मैं क्राफ्ट भी करती हूँ छोटा मोटा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल पाए और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और ये मैं कभी कभी क्राफ्ट भी करती हूँ। ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए उसकी बर्थडे स्क्रैप बुक बनाई थी। ये पूरी स्क्रैप बुक की वीडियो तो नहीं है मेरे पास, थोड़ी सी कुछ फ़ोटोज़ हैं और थोड़ी सी वीडियो है तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका ट्यूटोरियल मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे और आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुझसे मिलने आइएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।